पूर्णिमा पर चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे एक हार्ट शेप आसानी से बनाना होगा। फिर दोस्तों बीच से एक लाइन आप ऐसे ऊपर के साइड में ड्रॉ कर देंगे। इसी के आगे ही एक छोटा सा ऐसे पॉइंट बनाइएगा। फिर दोस्तों आपको ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना है। यहाँ पर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे। इसी के आगे ही छोटे छोटे पॉइंट्स लगा दीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा। और गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हैप्पी गुरु पूर्णिमा ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद आपको नीचे के साइड में यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर दोस्तों एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ किए, एक लाइन यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से हमें नीचे के साइड में हल्का सा अंदर ऊपर करते हुए इसको मिलाना है। फिर यहाँ से एक पंखुड़ी आप ऐसे इधर बना दीजिए। इसी तरह ऊपर के साइड में भी यहाँ से ऐसे मिलाइएगा। ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, फिर इसको आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा एक फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। फ्लावर बनाने के बाद दोस्तों इधर से देखिएगा, इधर आप एक ऐसे आर्क लगाएंगे। एक आर्क आप यहाँ पर भी ऐसे लगा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसको ऐसे अंदर के साइड में घुमा दीजिए। यहाँ से भी आप ऐसे अंदर के साइड में घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और इसको नीचे वाले सिरे पर लाकर मिला दीजिए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा। इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे सर्किल बनाइए। इस साइड भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे सर्किल बना दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप करना मत भूलिएगा। इसी के आगे एक वी लेटर लिखिए, छोटा सा प्यारा सा। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे वी लेटर लिखकर इसका आई बना दीजिए, छोटा सा सर्किल बनाकर। इधर से यूं करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में आपको इस मोर का पंख बना देना है। यहाँ से ऐसे जैसे लीव्स बनाते हैं उसी तरह बनाते जाइएगा, तो ये हमारा पंख भी बनकर तैयार हो जाएगा। बीच में छोटे छोटे सर्कल बना देंगे। अब यहाँ तक तो बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इधर आपको लिखना है HAPPY हैप्पी, और बीच में लिख दीजिएगा G हो गया, URU गुरु हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्णिमा, PUR पूर हो गया, NIMA। तो गाइज हमारा बहुत ही आसानी से गुरु पूर्णिमा पर चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।